हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी लोगों का। मैं बढ़िया, तुम लोग बताओ, घर पे सब मस्त ना। पर यार आज मेरे घर में सब मस्त नहीं है, क्योंकि यार सिंचन हो चुका है मुझसे बहुत ही गंदा वाला नाराज। तुम्हें जैसा कि पता है आज हो चुकी है 9 तारीख और 11 या 12 तारीख का है दशहरा। तो यार पटाखे तो लाए नहीं हूँ मैं अभी तक, तुम्हें जैसा पता है यार मैं हमेशा स्लो काम करता हूँ। पर सिंचन बाकी भाई बहुत गंदी तरह नाराज हो चुका है मुझसे। ओए सिंचन कहाँ पर है? अरे सुमेर बे, काम करो, तुम जाके सो जाओ। एक काम करो, फोन चलाओ, इंस्टाग्राम रील देखो। यार क्या कर रहे हो बाहर? तुम्हें धूप लग जाएगी, काले हो जाओगे। बस ज्यादा बकवास भी मत करो, ठीक है ना? नहीं सुमित भैया, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ठीक है ना? अबे ठीक है यार, चल पटाखे लेने चलते हैं। सुमित भैया झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोल रहा सुमित, पटाखे लेने चलते हैं। अरे वाह बेटे, मजा आ गया, पटाखे लेने चलेंगे। ओ बेटे मजा आएगा। सुमित भैया मैं तो अनार बम लाऊंगा, फिर तुम्हारे पिछवाड़े में लगा के फाड़ दूंगा। बेटे मजा आएगा, चक्री भी चलाऊंगा। मतलब पटाखे भी लाएगा और बदतमीजी भी मेरे साथ ही करेगा फिर तू? अरे सुमित भैया यार, पटाखे एक साथ बदतमीजी किसी के साथ तो होती है, तो तुम्हारे साथ ही तो करूंगा, क्योंकि काला आदमी और कितना काला होएगा जलने के बाद। यार ये कितनी बकवास कर रहा है, चलो फिर। अरे सुमित भैया अभी मत जाओ। क्यों, एक आदमी और चलेगा हमारे साथ। कौन? अरे सुमित भैया माइकल अंकल है। माइकल भी लेकर आएगा क्या पटाखे? और क्या, जिमी और ट्रेसी भी तो पटाखे जलाएंगे। ओहो बात तो सही है, चले इस बहाने उसको आधा बजट हो जाएगा, आधा पैसा वो दे देगा, आप दे देंगे। अब आधा क्या, तो 10% ही पैसा देंगे ना फिर। सुमित भैया यार ये मतलब थोड़ी, वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है तो उसको लूट खाओगे तुम? अब ऐसे ही चला यार दोस्ती में, वो मेरे को लूट खाए मैं उसको लूट खाऊं? अरे सुमित यार बड़े तुम हरामी आदमी, यार से भी कच्चरा आदमी, कच्चरा। ओए ज्यादा मत बोल, ठीक है ना? अब तू सुमित भैया वैसे कितने अनार लाएंगे और कितने पटाखे लेके आएंगे? अभी मैंने बजट डिसाइड नहीं किया है, क्या पता कितने महंगे हो इस बार दिवाली पे पटाखे और कितने ना हो। हाँ सुमित भैया बात तो तुम्हारी सही है, चलो बैठ जल्दी बैठ। अरे सुमित भैया यार तुम ऐसे इस साइड से क्यों बैठ दो, साइड से भी बैठ सकते हो। हाँ बैठ सकता हूँ, पर मेरी मर्जी में कहीं से भी बैठूं। अरे सुमित भैया इस बार गाड़ी का कलर भी चेंज करवा लो यार, काली गाड़ी अच्छी नहीं लगती। कैसा करवाऊं? अरे सुमित भैया मैं तो कह रहा हूँ इस पे पिंक कलर करवा लेते हैं, पिंक क्लिप करते हैं सब कुछ, क्लिप क्लिप। अब चुप रहे यार, पिंक कलर भी कोई गाड़ी पे करवाता है क्या? कोई लड़की समझ रहा है मेरे को तू? अरे सुमित भैया लड़की नहीं समझ रहा हूँ, लड़की अट्रैक्ट होगी फिर पिंक कलर के पास। अब तू पागल? अरे पागल आदमी गाड़ी नहीं चलानी आती। सुमित भैया वो लड़की कुछ बोल रही थी पीछे। लड़की नहीं लड़का बोल रहा था, वो तो बुढ़िया थी ना। हाँ ठीक है अब जल्दी चलो यार, सुमित भैया मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा बिल्कुल भी। बड़े बड़े पटाखे लाऊंगा, बूम बैम करूंगा फिर पूरे लॉस सैंटोस में। हाँ करेंगे करेंगे, ओ तेरी जय। अरे सुमित भैया एक गेम का ग्लिच सही करो यार, मैं घिसटता चलता हूँ जमीन में पता नहीं क्यों। देख रहा है सिंचन ब्लू स्मोक? सुमित भैया मस्त नहीं, ये वाले टायर मैंने बोला था लगवा लो। अबे तू तो रेड टायर बोल रहा था जिसमें से रेड स्मोक निकलेगा। अरे सुमित भैया ब्लू स्मोक भी मस्त है ऐसे तो। हाँ है तो मस्त। चलो गाइस यार हम लोग पहुंच चुके माइकल के घर पर। और माइकल क्या हाल है? अरे सुमित तू बता क्या हाल है? अरे मैं बढ़िया भाभी जी, राम राम। अरे राम 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 राम। अरे तू बोल रहा था सिंचन को पटाखे लाने तुझे? अरे हाँ हमें भी तो पटाखे लाने थे। हाँ मुझे भी पटाखे लाने थे यार। आ जा तो फिर, मैं और सिंचन पटाखे लेने चल रहे, तू भी आ जा। अरे चलो चलो बिल्कुल चलूंगा पटाखे लेने। अरे अच्छे पटाखे लेके आना, नकली मत लेके आना, कहीं पर हाथ में ना फट जाए। ना ना मैडम जी ऐसे नहीं लाएंगे। हाँ हाँ लेके तो अच्छे ही आओगे मुझे पता है। हाँ चलो चलो। अरे काम करो तुम लोग पटाखे लेके आओ, जब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। रेडी क्यों? अरे तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी क्या? अरे हमारे साथ क्या करेगी हो जाके? अरे तू ऐसे ही रेडी हो ले, शाम को घूमने चलेंगे। हाँ ठीक है, मुझे तैयार होने में वैसे 2-3 घंटों का टाइम लगेगा ही। चलो। ओ भाई साहब यार ये लड़कियां भी ना अजीब है। अरे क्या बताऊँ यार, इसका मेकअप का खर्चा ही महीने का बहुत ज्यादा हो जाता है, पाउडर लपेटती है पूरा मुंह पर। हाँ वैसे क्या बजट है तेरा पटाखे लाने का? अरे सुमित यार वो तो पता लगेगा वहाँ पर जाके, क्या पता सस्ते हो गए हो पटाखे, अच्छे में आ जाए, या महंगे हो गए तो महंगे में लाने पड़ेंगे। बात तो तेरी सही है, तेरे को क्या गले में कुछ हो गया है क्या? नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, बस रात को थोड़ी ज्यादा पिल्ली पिल्ली कर ली थी। पिल्ली पिल्ली? अरे मतलब थोड़ी पीली थी यार। अरे सुमित भैया यार चलो अब जल्दी सी। ओके मैट द माइकल। अरे ये क्या मेरी सीट पे बैठ गया माइकल अंकल, ये तो गलत बात है। अबे सिंचन यार तू सीट बेल्ट नहीं लगाता है, चलान कट जाएगा। माइकल कम से कम सीट बेल्ट तो लगाता है। सुमित भैया सही कह रहे हो, सारी गलतियां मैं ही करता हूँ। हाँ वो तो करता ही है ना तू। वैसे कहाँ जा रहे माइकल? अबे एक दोस्त है यार वहाँ चल पटाखे लेने। कहाँ पर है? बस चलता रहे, मैं तेरे को बता दूंगा जैसे रास्ता आएगा। हाँ ठीक है तो चलते है गाइस यार। एक दुकान मेरे को पता वो चाइना वाली। अबे वहाँ पर हर कोई लेता है आजकल, वहाँ पर बहुत महंगे पटाखे, वहाँ से नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है चल तू बता रहा, और कहीं जगह से ले लेंगे यार, जहाँ तू बोलेगा वहाँ चलेंगे, सस्ते मिलने चाहिए बस। अबे ये कौन सी जगह लेके आ गया तू यार, लॉस सैंटोस से बाहर की साइड आ गया शहर से तो? अबे यहीं पर यह बढ़िया पटाखे देता है वो, 2 नंबर के। 2 नंबर के? अबे लोकल तो नहीं है ना? अबे नंबर 2 नंबर के, मतलब लोकल नहीं है बस 2 नंबर के। अच्छा अच्छा है, कहाँ पर जगह? बस चलता रहे राइट ले राइट। हाँ ले रहा हूँ ले रहा हूँ। कहाँ पर? बस चलता रहे बस यही यही अंदर घुसा ले। ओके तो गाइस यार काफी अजीब सी जगह है। ओ भाई यार यहाँ पर तो काफी बड़े बड़े डिब्बे हैं। अरे तुम्हें चाहिए क्या पटाखे? कॉल किया था मुझे अभी। हाँ हाँ माइकल। हाँ हमें चाहिए पटाखे। और बता यार टकलू क्या हाल है तेरे? अरे मैं बढ़िया माइकल, तू बता कैसे हाल है तेरे और कैसे आना हुआ?
अबे पटाखे चाहिए थे यार, जैसा तू बता ही रहा था तूने इस बार दो नंबरी के लिए पहले पटाखे मंगा लिए, तो बता दे यार क्या भाव है आजकल पटाखों का। अरे यार देख ले यार, ये डब्बे भर भर के हैं। अबे यार इनके अंदर पटाखे हैं या क्या यार, मिसाइल सी लग रही है। अरे समझ गया, मिसाइल में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। पागल है किशन चंद, मिसाइल थोड़ी चलाएंगे अपा लोग। अबे यार ये तो बहुत बड़े पटाखे लग रहे हैं मेरे को। अरे पटाखे बड़े नहीं है, पटाखे वही साइज है नॉर्मल, बट डब्बे बड़े हैं। इस बार पैकेजिंग काफी अच्छी करके दी है। अच्छा यार तो प्राइसिंग तो बता दे यार इनकी। प्राइसिंग तो यार इस बार थोड़े महंगे हो गए पटाखे, क्योंकि यार ये पैकेजिंग में बहुत सारा पैसा गया, लकड़ी में पैसा गया है बहुत सारा। अरे वाह ये क्या है पीछे लड्डा सा। अबे ये कौन सा पटाखा है इतना बड़ा। अबे सिंचन वो पटाखा नहीं है, वो ऑयल टैंक है, ठीक है दिमाग चाट रहा फालतू में। अरे वो किस लिए खड़ा कर रखा है यहाँ पर। अरे ये असल में ऑयल टैंक है। ऑयल टैंक मतलब? अरे ये दशहरे के लिए है यार, इससे हम रावण बनाते हैं। अच्छा ये इसकी क्या प्राइसिंग है? ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, 10-12 लाख रुपए का। 10-12 लाख रुपए? इतने तो नहीं है भाई हमारे पास। अरे जमीन पे यार यही लो ना। अबे पागल है क्या, इतने पैसे नहीं है अपने पास। इतना बड़ा यार रावण ऑयल टैंक का रावण कैसा होगा भाई, तगड़ा लगेगा मेरे हिसाब से। अरे समित बता यार लेने या नहीं लेने। हाँ बात कर रहा हूँ यार, रुक जा सोच रहा हूँ टकलू यार मैं। और देख ले यार बढ़िया है सब कुछ। अब यार ये तो सब कुछ महंगा है, पटाखे भी महंगे है और यार तेरा रावण भी महंगा, कोई और सीधा नहीं है क्या यार। अबे समित यार महंगा तो सब कुछ है यार, मेरे को तो यहाँ पे सब कुछ ही महंगा लग रहा है बहुत ज्यादा, सही में बहुत ज्यादा महंगा है यार। अरे तुम लोग एक काम कर सकते हो, दिवाली का एक स्पेशल रैम चैलेंज होने वाला है, उस स्पेशल रैम चैलेंज में जो कोई भी जीतेगा उसको साथ में एक रावण मिलेगा, बहुत सारे पटाखे, प्लस में बहुत सारा इनाम भी मिलेगा, प्राइज मनी। क्या बात कर रहा है? हाँ वो असल में स्पेशल दिवाली रैम चैलेंज है। अच्छा स्पेशल दिवाली रैम चैलेंज। हाँ जीतने वाले को बहुत सारे इनाम भी मिलेंगे और सोचो भर भर के पटाखे। अरे समित भैया क्या टाइम देख रहे हो, जल्दी निकलो। अबे सिंचन जाना चाहिए क्या? हाँ समित बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ समित तो ही जा सकता है यार, वैसे तो हमारे बस की भी नहीं है। हाँ ठीक है यार माइकल, तू भी वैसे सही कह रहा है, मैं ही कर सकता हूँ वो रैम चैलेंज। और अगर मैं उस रैम चैलेंज के अंदर जीत जाता हूँ तो गाइस यार मेरे को काफी सारे पटाखे मिलेंगे, मतलब बहुत ही सारे पटाखे। समित भैया फिर किस चीज की राह देख रहे हो, जल्दी जाओ यार, जीत गया उस रैम चैलेंज को बहुत सारे पटाखे और बड़ा वाला रावण भी मिलेगा जिसको जलाएंगे। ओके ओके तो चलो गाइस यार हम लोग चलते हैं उस रैम चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, जिससे हमारे पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारे पटाखे और एक बड़ा वाला रावण भी आ जाएगा यार, वो भी फ्री ऑफ द कॉस्ट। पर उसके लिए मेरे को रैम चैलेंज जीतना पड़ेगा, तो लोकेशन मेरे पास आ चुकी है, हम लोग चलते हैं जल्दी से उस लोकेशन पे और जाके जीतते हैं वो खतरनाक वाला रैम चैलेंज, जिससे हमारे पास बहुत सारे पटाखे आएंगे यार, मजा आ जाएगा यार, ये दिवाली तो बिल्कुल ऑसम जाएगी जब अगर हम वो रैम चैलेंज जीत पाते, नहीं जीता तो कुछ भी नहीं होगा यार। अरे तुम लोगों सभी का स्वागत है आज की खतरनाक वाले रैम चैलेंज के अंदर। मैं असल में बहुत खतरनाक आदमी हूँ। अरे एक सेकेंड, तुम तो इंसान नहीं हो, तुम तो बंदर हो। मेरे को ये रैम चैलेंज जीतना है जिससे मैं वो सारे पटाखे ले सकूं। हाँ, चलो अच्छी बात है, और उसके बाद यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। अरे आखिर में काला आदमी कौन है? भाई मैं काला नहीं हूँ, मेरा रंग काला है। अरे हाँ मतलब हो तो काले ही ना। हाँ ठीक है यार, अब इतनी बकवास भी मत कर। ये देख चीयर्स लीडर का मस्त नाच रही है ने, सारी चीयर्स करने के लिए यहाँ पर। और ये वाली बाइक भी काफी मस्त है, पर यहाँ पर भी कोई कंटेस्टेंट मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, क्या तुम जीत पाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल जीतूंगा। एक सेकंड, यहाँ पर एक और मोहतरमा है और उनकी बाइक। हाँ मोहतरमा आप भी आइए। मेरी शादी होने वाली, पर हमारी शादी के लिए पटाखे नहीं है, इसलिए मैं ये रैम चैलेंज जीत के वो पटाखे लेके जाऊंगी मेरी शादी में फोड़ने के लिए। मजा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं ही जाती हूँ, क्योंकि आज शाम को ही मेरी शादी है ना, तो मेरे को जल्दी से जल्दी चाहिए पटाखे। ओके तो गाइज यार यहाँ पर ये सबसे पहले मोहतरमा जा रही है, और गाइज यार इसकी शाम को शादी है, तो उसके लिए इसको ये पटाखे चाहिए। हाँ एकदम सही, और जीतूंगी भी मैं यहाँ पर। मैडम जी ये नहीं होने वाला कि आप जीतने वाली हैं यहाँ पर। क्यों, कल भी तेरे को क्या लगता है? एक तो मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, ऊपर से मेरे को गालियाँ भी दे रही है। चल यहाँ से कलवा कहीं का। ओके तो गाइज यार अगर आप लोग चाहते हो कि तुम्हारा भाई यहाँ पर जीते, कोई और ना जीत पाए, क्योंकि अगर और कोई जीता तो गाइज यार हमें वो रावण नहीं मिलेगा और साथ में पटाखे भी नहीं मिलेंगे। अगर सोचो वो चीजें मुझे नहीं मिली तो आप लोग को भी नहीं मिलेगी, देख नहीं पाओगे यार आप लोग। अगर आप लोग भी चाहते हो तुम लोगों के पास भी दिवाली पर बहुत सारे पटाखे आए और रावण जला सको, तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो गुड लक अपने लिए भी और मेरे लिए भी, जिससे मैं जीत जाऊँ और सिंचन दिवाली मना सके मस्त तरीके से और हम भी बना सके यार। तो यार यहाँ पर ये लड़की कुछ ज्यादा अच्छी बाइक नहीं चला रही है यार। अरे मैंने बोला तो जीतूंगी तो मैं ही। अरे मैडम जी आपका भ्रम है, आप नहीं जीतने वाली यहाँ पर। अबे मैं जीतूंगी, ये देखो बस मेरे को इन डब्बों का। ये क्या, ये बाइक कैसे एकदम ज्यादा एक्सेलरेट हो गई? ओह शिट, अब मैं पटाखे कैसे बजाऊंगी? हाँ अब मेरे को चाहिए वो सारे के सारे पटाखे।
अब बंदर एक बात बता, तेरे को किस लिए चाहिए वो पटाखे? हाँ, मेरे को असल में बहुत तेज नींद आती है, पर रात को लोग पटाखे बजाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ वो सारे के सारे पटाखे मेरे पास आ जाए। हाँ, फिर कोई भी पटाखे नहीं बजा पाएगा। मतलब तू चाहता कि कोई दिवाली ना मनाए? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम दिवाली मत बनाओ, बस मैं ये चाहता हूँ हाँ तुम जंगल में मत बनाओ, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर सोते हैं। पर तो जाना ज्यादा ज्ञान पेल रहे हैं यहाँ पर, तेरे को दिक्कत होती है, जंगली जानवरों को नहीं होती। मेरे को होती है, इसलिए मैं बोला मुझे पटाखे पसंद है, पर रात को जब कोई बजाता है तो मैं सो नहीं पाता हूँ। अबे यार इसकी ऐसी तैसी, दो दिन के लिए दिवाली आती है और उसमें तेरे को इतनी प्रॉब्लम हो गई? मुझे हो जाती है, मैं बड़ा अजीब हूँ। तू तो है ही अजीब भाई साहब, और मैं चाहता भी नहीं तू यहाँ पर जीते। मुझे तो प्राइज मनी चाहिए बस। है अभी तो तू पटाखों के लिए बोल रहा था। मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे भी बहुत सारे पसंद है पटाखे, मुझे पटाखे मिल जाएंगे, उसके बाद मैं रातों में बजाऊंगा, पूरे दिन बजाऊंगा, और मैं उन पैसों से अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाऊंगा। ओ भाई साहब देख रहे हो यार, बंदर की भी गर्लफ्रेंड है यार, बंदर भी छड़दम तार रहा है सैमी। हाँ, अरे ये क्या, मेरी तो बैंड बच गई। हाँ, मेरी मदद करो कोई। यहाँ पर ना बंदर जीता और ना ही वो लड़की, क्या ये आदमी है जो कल वह सब वो जीत पाएगा, खतरनाक रैम चैलेंज, बताओ। अरे हाँ भाई, मैं बिल्कुल जीत जाऊंगा यार, क्योंकि मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। अगर आज मैं यहाँ पर ये रैम चैलेंज नहीं जीतता हूँ तो यार मेरे को वो खतरनाक वाला रावण नहीं मिलेगा यार, और साथ में यार पटाखे नहीं मिलेंगे, और बिना पटाखे मैं घर चला गया तो सिंचन मेरे को मार डालेगा। तो रिस्क लेना उतना ही लेना जितना तुम झेल सको, और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अगर मैं यहाँ पर हार गया तो समझो तुम्हारे भाई की तो बहन ही बच जाएगी, सिंचन मुर्गा बना देगा मेरे को घर जाके, इसलिए मेरे को यहाँ पर जीतना बिल्कुल जरूरी है। ओके तो गाइस यार, और मेरे पास जो बाइक आई है ना, वो बाकी बाइक से काफी अच्छी है, जैसे जो बंदर ने चलाई या फिर उस मोतरमा ने चलाई, मोतरमा के पास सुपर बाइक थी यार। और यहाँ पर देखो यार, ऊपर ऊपर नीचे जाने वाली जगह, यहाँ पर कहाँ जरूरत आ रही कोई सुपर बाइक की, यहाँ पर तो एक ऐसी बाइक चाहिए जो ऑफ रोड कैपेबिलिटी हो, जैसे इस बाइक के अंदर काफी अच्छी ऑफ रोड कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा ऊंची है यार, इसलिए हम लोग यहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। ओ तेरी, ये लड्डा गेर दिया हमने नीचे। और एक और चीज यार, बंदर और उस मोतरमा में एक मोतरमा ने अच्छा काम किया, यहाँ पर जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे वो सारे सारे क्लियर कर दिए। बस अब मेरे को यहाँ पर इन चीजों को क्लियर करना, और मेरे को पता है मेरे को कैसे करना है, मेरे को यूज करनी मेरी बंदूक। जो भी चीज सामने आएगी उनको मैं डायरेक्ट ही नीचे गिरा सकता हूँ, तो इतनी मेहनत क्यों करनी फालतू की। ओ भाई चलो चलो चलो, यहाँ पर ये घासों के अंदर हल्की हल्की आग लग रही है, बस मेरी टंकी ना फट जाए बाइक की कहीं पर। ओके ये बिल्कुल परफेक्टली हम लोग आगे आ चुके। अबे ये सीमेंट कौन रखता है रास्ते के बीच में? गाइस यार आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो गुड लक, जिससे हम लोग ये रैम चैलेंज जीत जाए, और हमारे पास बहुत सारे पटाखे और बहुत सारा कुछ आ जाए यार, पैसा वैसा, ठीक है ना। अबे ये बॉल नहीं हट रही यार, इसको टक्कर मार के हटाना पड़ेगा, क्योंकि बंदूक से नहीं हट रही है बॉल। अब शिट बच गया, वो सही है, मैंने बॉल हटा दी, पीछे लेनी पड़ेगी मेरे को अपनी बाइक धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक बड़ी वाली जंप लगानी है। ओके तो गाइस यार ये हम लोग चले, और ये लगाई हमने जंप। अबे भाई ये क्या है यहाँ पर, केला सी अजीब सी पता नहीं क्या है। अरे भाई यहाँ पर ये देखो और भी ज्यादा बॉल्स है, चलो इनको साइड में करके हम लोग आगे चलते हैं। ओ भाई, अरे रे 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 रे, इतनी सारी घास, इसको साइड में हटाओ पहले से लड्डे को, और उसको भी हटाओ। अबे नीचे गिरो ना यार, जल्दी सी गिरो 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 गिरो, चलो गिर गए दोनों के दोनों। और यहाँ पर मैंने सारी सारी ट्यूब्स भी फाड़ दिए जो भी मेरे सामने थी। सही है यार, काफी बड़ा है यार ये लड्डा, इसके ऊपर चला सकता हूँ मैं बाइक, अगर थोड़ा और छोटा होता तो मैं नीचे गिर सकता था। ओ तेरी जय, अब भी इतना बड़ा रैम चैलेंज बच रहा है यार, और ये पत्थर किसने रख रखी, इतनी सारी ईंटें वो भी रास्ते के बीच में, यार अजीब लोग है सही। ओए यहाँ पर और लड्डे हैं, इनको करा मैंने साइड में, अभी तो बहुत बड़ा रैम चैलेंज बच रहा है यार। ओ शिट 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 शिट, ओ बच गया भाई, एकदम सही वक्त पे बूस्ट दे दिया। अभी यहाँ पर हम लोग आ चुके रेनबो ब्रिज के ऊपर, ये असल में रेनबो ब्रिज, क्योंकि यहाँ पर यार नकली का रंग है ना, नकली का रेनबो बना रखा है, इसलिए इसका नाम है रेनबो ब्रिज। और यहाँ पर अब घूमते हुए हम चकले पे आ चुके। ओए ये क्या है, ये टायर्स है क्या? हाँ ये टायर्स है, पर इनके ऊपर बर्फ क्यों जम रही है? अबे हट जाओ यार आगे से, पागल हो गया यार, नंगे पुंगे खड़े हो मेरे आगे, सबको हटा दिया मैंने रास्ते से। ओ भाई बिल्कुल परफेक्टली, और ये लगाई हमने जंप, बूस्ट लगाया बिल्कुल परफेक्ट, हम नीचे जाना चाहिए मेरे को, क्योंकि नीचे से काफी इजीली हम जा पाएंगे, ऊपर काफी सारे ऑब्स्टिकल्स थे। ओए अब क्या दिख नहीं रहा सामने कुछ, ओ नहीं नहीं नहीं, ओए बच गया भाई, थोड़ा सा गलती हो जाती थी यार, मैं दीवार में टकरा जाता। ओए भाई प्लीज प्लीज रुक जाइए रुक जाइए, और रुक गई भाई साहब, ये सामने जो लड्डा रखा था ना इसकी वजह से मैं रुक गया, वरना मेरी बाइक सीधे नीचे जाती यार।
सही है यार, इन लोगों ने जो ऑब्स्टिकल्स बनाए हैं ना वो थोड़े हेल्प भी कर रहे हैं और थोड़ी दिक्कत भी दे रहे हैं। और यहाँ पर घास यार दिखता नहीं है कितना बड़ा रैंप है कितना बड़ा नहीं है। ओए कहाँ पर फिनिश लाइन? सामने अभी मेरे को फिनिश लाइन कहीं तक भी नहीं दिख रही है यार। हम लोगों को जीतना है किसी भी हालत में, इन बर्गर्स को हटाता हूँ साइड में जल्दी जल्दी गोलियाँ मार के। भाई साहब बर्गर नहीं है ये, हवा भर रहा है कि गुब्बारे हैं बड़े बड़े। हट 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 हट, चल 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 साइड में। ओके अब यार यहाँ पर और भी लड्डे, इनको भी गिराता हूँ जल्दी जल्दी नीचे। ये गए सारे सारे वुडन ब्लॉक्स नीचे। ओए आराम से आराम से। ओए नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे धीरे, निकल गए निकल गए। ओके यहाँ पर अब बूस्टर आ चुके हैं। ये लगी बूस्टर 78 93 100 और ये लगा हमने जंप। अब पहुंच तो जाऊंगा ना मैं, और हम लोग पहुंच गए बिल्कुल परफेक्ट। पर अब यहाँ पर हमें एक और जंप लेनी है। ओ कुछ ज्यादा आगे आगे मैं तो, शिट बूस्टर यूज करना पड़ेगा मेरे को। ओ भाई पहुंच तो जाऊंगा ना। आ शिट टकरा गए बूस्टर बूस्टर बूस्टर। आ भाई वहां पर हेलीकॉप्टर लेना था मेरे को, पर मैं बाइक से इतना आगे आगे बूस्ट मारते मारते यार, क्योंकि तुम्हारे भाई को बाइक से भी बहुत अच्छे से चलानी आती है यार, हेलीकॉप्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को कहीं तक भी। और ये हमारी टक्कर खतरनाक वाली। ओके तो गाइस यार हम और आगे आ चुके हैं, फुल स्पीड में जा रहे हैं, बस इस ट्यूब को मेरे को पार करना है और मेरे हिसाब से मैं फिनिश लाइन पर पहुंच जाऊंगा और हम लोग जीत जाएंगे। अब अरे और भी है सामने, घुमा घुमा घुमा। कहां जाना है? सामने दिख नहीं रहा। ओ शिट शिट बच गया। भाई साहब सही है, इस बाइक के अंदर बूस्टर्स है वरना तुम्हारे भाई की तो बैंड कभी की बच जाती यार। ओए वेट वेट वेट, यहाँ पर बाइक नहीं चल सकती, यहाँ पर मेरे को बोट ही लेनी पड़ेगी क्योंकि यार समुंदर के अंदर तो बाइक चलने नहीं वाली ना। तो ये ग्रीन कलर वाली बोट लेके जाता हूँ क्योंकि मेरे को काफी अच्छी लग रही है। और ये हम लोग चले, अब एक सेकंड, बाइक भी हम लेके जा सकते थे अगर थोड़ा पानी का लेवल कम होता। पानी का लेवल ज्यादा है ना? नहीं नहीं यहाँ पर नहीं ले जा पाता, देखो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही है पानी का लेवल। ओए बच जा बच जा। ओए बच गया, हल्का सा टच हो जाता पर बच गए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जीतने वाले गाइस और हमें मिलने वाले बहुत सारे पटाखे। ओ भाई मैं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ, सिंचन इतने सारे पटाखे देख के खुश हो जाएगा यार। चलो 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 बस मेरे को यहाँ से जंप लेनी। और ये लगाई हमने जंप, ओ तेरी जय, कितने सारे बीच में पता नहीं क्या क्या था। चलो भाई साहब ये बड़ी बड़ी बोट्स थी इनमें टकराया नहीं मैं। अरे जीत गए तुम तो, कांग्रेचुलेशन। ये ले बीच में क्यों बोल रही फिर मेरे? तो गाइस ये रही हमारी ट्रॉफी, चलो अपनी ट्रॉफी लेते हैं। कहाँ बा वो बंदा? कांग्रेचुलेशन तुम जीत चुके हो, मान गया भाई साहब। आज तक दिवाली में इतने सारे रैम चैलेंजेस कराए पर आज तक कोई भी नहीं जीता, तुम पहले ऐसे आदमी हो जो रैम चैलेंज यहाँ से जीत के जाओगे, कांग्रेचुलेशन। हाँ ठीक है भाई ठीक है, अब जल्दी से मेरे को मेरा पटाखा दे दे यार। हाँ तुम्हारे एड्रेस पे पहुँच जाएंगे, और तुम्हारा बड़ा वाला जाइंट वो भी तो है। हाँ रावण रावण रावण। हाँ वो भी तुम बता देना कहाँ पहुँचाना है। हाँ ठीक है और प्राइज मनी? प्राइज मनी पूरी दिवाली के लिए सब कुछ फ्री। वो बेटे मजा आ गया, पूरी दिवाली के लिए हमारे लिए सब कुछ फ्री हो चुका है यार। दिवाली पर हम लोग नई नई चीजें वैसे खरीदते हैं ना, तो हम लोग और भी चीजें खरीद पाएंगे, फिर मजा आएगा यार। चलो अभी काम करते हैं, जल्दी से हम लोग रात होने का वेट करते हैं और उसके बाद तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ वो बड़ा वाला रावण जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। चलो गाइस। अरे समेत भी अब मजा आने वाला है, आज इंचन मजा आने वाला है। तो गाइस यार ये देखो हम लोग शोरूम से एक नई नवेली बिल्कुल खतरनाक वाली ब्रांड न्यू फरारी कटवा के आए हैं यार। और ये देखो अपना रावण है ना, काफी बड़ा। ओके तो गाइस कौन कौन खड़ा है पर? माइकल खड़ा है, सिंचन खड़ा है, और यहाँ पर भाई साहब माइकल की बीवी भी खड़ी है। समित बे यार तुम फोन पे अच्छे से बात क्यों नहीं करते, फोन क्यों काटा है? अबे यार तो मैं मिलने ही आ रहा था। अरे मजा आएगा अब तो, मजा। हाँ मजा आएगा, जल्दी फोड़ो इसको। ओके तो गाइस यार मेरे हाथों से शुभ मुहूर्त करवाओगे क्या? हाँ समित बे तुम ही फोड़ो यार, तुम्हारा अच्छा निशाना है। ओके तो ठीक है, तुम लोग चाहते हो कि मैं इसके अंदर आग लगाऊं तो निकाल लेता हूँ भाई मैं मेरी तोप। ओके तो गाइस ये रही अपनी खतरनाक वाली तोप, अब यहाँ पर बूम बैम करते हैं। 1 2 3 बूम। वो भाई मजा आ गया यार। अरे वाह क्या मस्त है, मजा आ गया सैमी। अबे यार चीज तो मस्त है यार सिंचन सैमी है ना। हाँ समित बे तो फटता ही जा रहा है। ओ बेटे मजा आ गया सैमी, क्या कमाल का रावण था, मजा आया दोस्तों। और कहता तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो मैं ऐसे बहुत सारे रावण लेके आए जिसके अंदर हमें और भी ज्यादा मजा आएगा, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बहुत सारे पटाखे लेके आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना पार्ट 2। और ये देख सिंचन है ना, ये भी फायर क्रैकर्स मस्त। हाँ समित बे काफी मस्त है। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी मेक श्योर टू लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार भूले भटके आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे कोई नई वीडियो नई स्टोरी के साथ, जब तक लिए सायोनारा।